नमस्कार, मैं अंजना सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम। भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है, साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। आइए अब हम हल्दी के बारे में, उसके फायदे और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। हल्दी एक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा या कोई भी शुभ काम करते समय हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने के अलावा कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी हल्दी का उपयोग होता है। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रहे हैं और कई रिसर्च आयुर्वेद में बताए गए हैं कि हल्दी काफी गुणकारी है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से मसालों और औषधियों के रूप में किया जा रहा है। इसके पौधे 60 से 90 सेंटीमीटर तक के ऊंचे होते हैं। इस हल्दी का रंग अंदर से लाल या पीला होता है। वही वह हल्दी है जिसका उपयोग हम अपने घरों में सब्जी बनाने के लिए करते हैं। हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वात कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। डायबिटीज में हल्दी का सेवन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। हल्दी की तासीर गर्म होने की वजह से जुकाम में इसका सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। वहीं हल्दी के धुएं को रात के समय सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाती है। हल्दी सूंघने के कुछ देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। वहीं गर्मी के मौसम में सिर में फुंसियाँ निकलना एक आम समस्या है। फुंसियों के कारण सिर में तेज खुजली और जलन होती है। इस समस्या से आराम पाने के लिए हल्दी और हरिद्रा भूनीम, त्रिफला, नीम और चंदन को पीसकर रोजाना सिर पर मालिश करें। आंखों में दर्द होने पर या किसी तरह का संक्रमण होने पर हल्दी का प्रयोग करना काफी फायदेमंद रहता है। 1 ग्राम हल्दी को 25 मिलीलीटर पानी में उबालकर छान लें। छानने के बाद इसे आंखों में बार बार डालने से आंखों की दर्द से निजात मिलती है। कंजक्टिवाइटिस होने पर भी आप इसी घरेलू उपाय की मदद से आराम पा सकते हैं। हल्दी का गुण आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए अब जानते हैं कि हल्दी कान से संबंधित रोगों में कितना फायदेमंद होता है। कान से गाढ़ा तरल निकलना एक समस्या है, जिसे आम भाषा में लोग कान बहना कहते हैं। इससे आराम पाने के लिए हल्दी को पानी में उबाल कर छान लें, फिर ठंडा कर लें और उसे कान में डालें। सरसों का तेल हल्दी मिलाकर सुबह शाम मसूड़ों पर लगाकर अच्छी प्रकार मालिश करने तथा बाद में गर्म पानी से कुल्ले करने से मसूड़ों के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हल्दी का गुण पायरिया के लिए भी फायदेमंद होता है। गले की खराश होने पर अजमोदा, हल्दी, यवशार और चित्रक, इन सबके 2 से 5 ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करने से गले की खराश दूर होती है। वहीं हल्दी को भून कर चूर्ण बना लें। 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण के शहद या घी के साथ मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। वहीं पेट दर्द होने पर भी हल्दी का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको बता दें, 10 ग्राम हल्दी को 250 ml पानी में उबाल लें। पेट दर्द होने पर इसमें गुड़ मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पिएं। खराब जीवन शैली और खराब खान पान की वजह से अधिकांश लोग कब्ज के मरीज हो जाते हैं। कब्ज के कारण ही आगे चलकर बवासीर की समस्या होने लगती है। वहीं बवासीर से आराम पाने के लिए सेहुण के दूध में 10 ग्राम हल्दी मिलाकर मस्सों में लगाएं। इसके अलावा सरसों के तेल में हल्दी चूर्ण को मिलाकर मस्सों पर लगाने से बवासीर में आराम मिलता है। पीलिया एक ऐसी समस्या है जिसका सही इलाज ना करवाने पर आगे चलकर यह बहुत गंभीर समस्या में बदल जाती है। छोटे बच्चों में यह समस्या ज़्यादा होती है। वहीं पीलिया होने पर 6 ग्राम हल्दी चूर्ण को मट्ठे में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने पर 4 से 5 दिन में ही पीलिया से आराम मिल जाता है। इसके अलावा 5 से 10 ग्राम हल्दी चूर्ण में 50 ग्राम दही मिलाकर खाने से भी पीलिया में फ़ायदा होता है। 2 से 5 ग्राम हल्दी चूर्ण में आंवला रस और शहद मिलाकर सुबह और शाम को खाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा हल्दी दारू हल्दी तगर और वायविडंग का इसके अलावा हल्दी दारू हल्दी तगर और वायविडंग का क्वाथ बनाकर उसकी 20 से 40 ml की मात्रा में 5 से 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से डायबिटीज में फायदा होता है। स्तन से जुड़ी समस्याओं में भी हल्दी का उपयोग करना फायदेमंद रहता है। हल्दी और लोद्र को पानी में घिसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन से जुड़े रोगों में लाभ होता है। वहीं हल्दी चूर्ण और गुगुल चूर्ण को 1 बराबर मात्रा में मिलाकर इसकी 2 से 5 ग्राम मात्रा का सुबह शाम सेवन करने से
ल्यूकोरिया में फायदा मिलता है। इसके अलावा 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण को 10 ml दूध में उबालकर उसमें गुड़ मिलाकर खाने से भी ल्यूकोरिया में फायदा पहुंचता है। हल्दी के प्रयोग से कुष्ठ रोग के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण में गौमूत्र मिलाकर पिएं। इसके अलावा हरिद्रा चूर्ण में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर गौमूत्र के साथ सेवन करने से भी दाद और कुष्ठ जैसी रोगों में फायदा पहुंचता है। अगर आपकी त्वचा पर कहीं दाद खुजली हो गई है तो हल्दी के इस्तेमाल से आप इन समस्याओं को जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए खुजली वाली जगह पर हल्दी का लेप या हल्दी के साथ नीम की पत्तियों का लेप लगाएं। शरीर के किसी हिस्से में अगर सूजन हो रही है तो हल्दी के उपयोग से आपका सूजन कम हो सकता है। इसके लिए हल्दी पिपली पाठा छोटी कटेरी चित्रकमूल सौंठ पिपली जीरा और मोथा को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इसको कपड़े से छान कर अलग रख लें। इस चूर्ण का 2-2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ मिलाकर खाने से सूजन में कमी आती है। वहीं बालों का झड़ना रोकने में हल्दी बहुत उपयोगी माना गया है। बालों के झड़ने का कारण पाचन का खराब होना बताया गया है, क्योंकि पाचन खराब होने से बालों की जड़ों तक उचित मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कफ दोष की वृद्धि के कारण भी बालों का झड़ना देखा गया है। ऐसे में हल्दी में उष्ण और कफ का शमन करने का गुण होने के कारण यह आपके पाचन को स्वस्थ और बालों को झड़ने से रोकती है। मुहासे से छुटकारा पाने के लिए भी हल्दी काफी फायदेमंद होता है। त्वचा में अधिक तेल की उत्पत्ति होने के कारण मुहासे निकलने लगते हैं। ऐसे में हल्दी के रुक्ष गुण के कारण यह इस तेल को सोख कर मुहासे से छुटकारा दिलाने में लाभ पहुंचाती है। साथ ही त्वक दोष गुण होने के कारण त्वचा के रोगों को दूर रखने में भी उपयोगी होती है। हल्दी में रोपण और शोथ हर गुण होने के कारण यह हर प्रकार के घाव को भरने में और उसकी सूजन आदि को भी ठीक करने में सहयोगी होती है। मुंह के छालों का होना पाचन क्रिया के खराब होने के कारण ही है। हल्दी में उष्ण गुण होने के कारण यह पाचन की ठीक करने में कामयाबी होती है। मुंह के छालों का होना पाचन क्रिया के खराब होने के कारण होता है। हल्दी में उष्ण गुण होने के कारण यह पाचन को ठीक कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे मुंह के छालों में आराम मिलता है। साथ ही इसमें रोपण का भी गुण पाया जाता है, जो कि मुंह के छालों को जल्द भरने में सहायक होती है। वहीं आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।